दिल्ली के भलसवा डेरी थाना इलाके के मुकुंदपुर राधा विहार डी ब्लॉक गली नंबर 1 में टॉप फ्लोर पर बिजली की लड़ियों की चपेट में आने से 5 वर्षीय मासूम बच्चे की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। भलसवा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में भेजा और उसे पूरे मामले की तफ्तीश गंभीरता से शुरू की। आज दीपावली का महापर्व है, ऐसे में सभी के घरों में और चेहरों पर खुशी की लहर है, लेकिन आज एक परिवार के लिए ये दीपोत्सव काली दिवाली बन गई, जिस दीपावली को यह परिवार कभी नहीं भूल पाएगा। दिवाली के पर्व से ठीक एक दिन पहले बीती रात छत पर खेल रहे सागर उर्फ शालू नाम के 5 वर्षीय मासूम बच्चे की बिजली की लड़ियों से करंट लगने के चलते दर्दनाक मौत हो गई। जिस पिता को आज अपने मासूम बच्चे को नए कपड़े पहनाना चाहिए था, उस मासूम बच्चे को पिता के हाथों सफेद रंग का कफन पहनाना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें, त्योहारी सीजन चल रहा है और दीपावली से पहले ज्यादातर लोग अपने घर की साफ सफाई के साथ घरों पर बिजली की लड़ियां लगाने का काम भी करते हैं। राधा विहार के डी ब्लॉक गली नंबर 1 में भी दीपावली की तमाम तैयारियां की जा चुकी थी, लेकिन बीती रात यह तैयारी किसी के लिए मौत का सामान बन गई। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस मकान के ऊपर लटकी हुई बिजली की लड़ियों की चपेट में आने से करीब 5 वर्षीय मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मकान मालिक व किरायेदार ने बताया कि 5 वर्षीय मासूम बच्चा, जिसका नाम सागर है, वह छत पर पिचकारी से अकेला खेल रहा था, जिस पर किसी की कोई नजर नहीं थी। मकान मालिक नीचे काम कर रही थी और उसकी माँ अपने कमरे की साफ सफाई में लगी हुई थी। अचानक ऊपर से कुछ आवाज आई तो उसकी माँ ऊपर पहुंची तो देखा कि मासूम बच्चे के हाथ में बिजली के तार हैं, जिससे करंट लगने की वजह से बच्चे की मौत हो चुकी थी, जिसे देखकर एक माँ के पैरों के तले जमीन खिसक गई। इस बात की सूचना भलसवा डेरी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में भेज दिया। जिस परिवार के लिए आज खुशियों भरा त्योहार मनाने का दिन था, आज उस घर में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल परिवार बच्चे की मौत के बाद सदमे में है। कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते आज एक बात सोचती है कि मासूम बच्चे की मौत हो गई। जरूरत है सभी लोग दीपावली के पर्व पर अपने बच्चों पर निगाहें बनाए रखें, ताकि वह हादसे का शिकार ना हो। फिलहाल भलसवा डेरी थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से कर रही है। मेरा नाम नेहा है। क्या पता चला था? पता चला था कि हम भी छत पे थे और बच्चे भी मेरे दोनों छत पे थे, वो भी थे। फिर क्या हुआ कि हम नीचे आए, खाना खा रहे थे छत पे 6:30 बजे, तो हम नीचे आए। फिर मेरी मम्मी ये लोग नहीं आए, मेरी मम्मी गई तो मेरी मम्मी लेकर के आई कि दोनों को, उसको भी बोला कि चलो नीचे, तो वो भी आया। फिर ना वो पिचकारी लेके चला गया, वहाँ पे नल है, वहीं पे तार था, तो वहाँ पे गया तो मतलब पिचकारी में लेके खुलता होगा। जैसे मम्मी देखी, मम्मी फिर गई कि चलो नीचे, सुना नहीं, नहीं आया, पिचकारी लेके गया, पानी अब लग गया हाथ में। अब उसका दिमाग में क्या हुआ कि वो खोल रहा था, वो खोला तो वहीं पे वो गिर गया, करंट लग गया। हाँ, लड़ियों की लगा रखी है, उसी का करंट लगा। हाँ, यहाँ पे हाथ में भी जल गया था और यहाँ पे भी जल गया।